वेलकम टू पूनम की रसोई। आजकल बाजार में बहुत बढ़िया साग आ रहे हैं और सर्दियों में सरसों के साग का तो मजा ही अलग है। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। ये मैंने 200 ग्राम बथुआ, 200 ग्राम पालक, 100 ग्राम मेथी और 500 ग्राम सरसों ले ली है। हम सिर्फ इनके पत्ते पत्ते लेंगे, इनके डंठल जो है इन्हें हमें हटा देना है। अगर डंठल सॉफ्ट हो तो थोड़ी बहुत ले सकते हैं। तो चलिए सबको तोड़ के अच्छे से धो के काट लेते हैं। देखिए सबको एक साथ धो के काट लिया है। अब इन्हें कुकर में डाल लेंगे। इसके साथ हमें 15 से 16 लहसुन, 2 इंच अदरक, 6-7 हरी मिर्च ले ली हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए लहसुन और अदरक को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है और हरी मिर्च को भी इस तरह से काट लिया है। सभी कटे हुए सागों को कुकर में डाल देंगे, साथ ही चॉप किया हुआ अदरक लहसुन हरी मिर्च भी डाल देना है। आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। वैसे तो ये खुद ही पानी रिलीज करता है, हम आधा कप फिर भी डाल देंगे। कुकर बंद करके गैस पे चढ़ा लेते हैं। हाई फ्लेम पे एक सीटी आने के बाद आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे छोड़ेंगे, फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। स्टीम निकल गई है, कुकर खोल लेते हैं। देखिए साग बढ़िया पक गया है और इसमें से पानी भी रिलीज हो गया है। मैं इसे घोटने के लिए रई इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे पोटैटो मैशर से भी घोट सकते हैं। इस तरह से हमें इसे अच्छे से घोट लेना है। देखिए कितना स्मूथ हो गया है। अब इसमें 3 बड़े चम्मच मक्की का आटा डाल देंगे। ये साग को बाइंड करता है। अगर मक्की का आटा ना हो तो आप बेसन या गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। देखिए एकदम परफेक्ट बन गया है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए एक बड़ा प्याज बारीक चॉप किया हुआ, 15 से 16 लहसुन, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक को एक साथ ही बारीक चॉप करके ले लिया है। 2 मीडियम साइज के चॉप किए टमाटर ले लिए हैं। गैस पे कढ़ाई चढ़ाकर गरम कर लिया है। अब इसमें 2 छोटे चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसमें और अच्छा टेस्ट आता है। 1/4 छोटा चम्मच जीरा डालकर तड़कने देंगे। अब प्याज डालकर फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हरी मिर्च अदरक लहसुन डाल देते हैं। कच्चापन निकल जाने तक हाई फ्लेम पे ही भुनेंगे। अब इसमें टमाटर डालकर भी फ्राई कर लेंगे। टमाटर को भी अच्छे से पका लेना है। थोड़ा चला लेने के बाद इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद देखिए कितना बढ़िया टमाटर पक गए हैं। टमाटर को इस स्पैचुला से अच्छे से मैश कर देंगे। अब इसमें साग डाल देते हैं। अच्छे से साग को मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। याद रहे हमने साग को उबालते समय भी नमक डाला था। मिक्स कर लेंगे। अब इसे लीड लगा के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। पाँच मिनट बाद फिर से चला लेंगे। वैसे तो इसमें मसाले नहीं डलते हैं, लेकिन मैं 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। इससे साग का टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। बढ़िया बन गया है। अब फ्लेम ऑफ करके सर्व कर लेते हैं।
वैसे तो इसे ऐसे भी खाया जा सकता है, लेकिन इसमें तड़का डालने से जायका और बढ़ जाता है। तड़के के लिए गैस पे पैन चढ़ाकर एक बड़ा चम्मच घी डाल देंगे, चौथाई छोटा चम्मच हींग, एक लाल मिर्च और दो हरी मिर्च को बीच से काट के डाल लिया है। लो फ्लेम पे ही आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम ऑफ करके साग में तड़का डाल लेते हैं। सरसों का साग है तो इसमें मक्खन डालना तो बनता है। मक्के की रोटी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। थैंक यू।